भाभी, मैं यहाँ हूँ फरियाल। क्या कर रही है? सब्जी काट रही हूँ रात के खाने के लिए। तो मुझे दे दे, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दो, अब तो तुम मेहमान हो उस घर में। जी नहीं, मैं कोई मेहमान मेहमान नहीं हूँ। और अगले 5 या 6 साल तक तो आप भूल ही जाएं कि आपका मुझसे पीछा छूटने वाला है। भाभी, भाई आजकल ज्यादा लेट नहीं आने लगे? मेरा मतलब है कि पहले 7 बजे तक तो आ जाते थे ना। हाँ, काम भी तो बढ़ गया है ना। अरे मेरी भोली भाभी, नजर रखा करें। शादी के बाद तो आपने अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया है, और मेरे भाई अभी तक हैंडसम और चार्मिंग, बिल्कुल कंवारे लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका कहीं बाहर चक्कर वक्कर चल रहा हो, कोई भी लड़की उनको फंसा ले और आप यहाँ पर टमाटर और पालक काटती रह जाएं, और एक दिन वो किसी लड़की को आपके सामने लाकर खड़ा कर दें और कहें, नाइमा मैडम माइंड मत करना, लेकिन ये है मेरी दूसरी बीवी और मेरी नई मोहब्बत। तौबा तौबा, बहुत बुरी हो तुम। अभी अम्मी को बताती हूँ। कैसे मेरे मासूम और भोले भाले शौहर पर इल्जाम लगा रही हो? बुरा लगाना, कुछ नहीं होता, माफ कर दें। मैं अब आपके शौहर की शान में गुस्ताखी बिल्कुल नहीं करूंगी। या अल्लाह, इसको मैं कैसे समझाऊं? जिस शख्स से इसकी शादी होने वाली है वो भी तो एक शादीशुदा है। बेकार है मुझे समझाना, सब पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? कुछ नहीं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.